टू इकरा गर्ल्स यूट्यूब चैनल जिसपे मैं अपलोड करने वाली हूँ अपनी आज की लुक, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप इस चैनल को चला नहीं रही हैं, आप इस चैनल पे कुछ तो अपलोड करें। तो व्लॉग्स तो मेरे भाई एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं, लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये मेरे अपने चैनल पे, मतलब वो भी मेरा अपना है, लेकिन ये मेरा जरा वेरी बेबी चैनल है, इस पे अपलोड होगी। बहुत से लोगों को ना ट्यूटोरियल जानना होता है कि मैं किस तरह से अपना मेकअप करती हूं। 100 के प्लस है, 100 के है उन लोगों से जिनके नहीं है, तो कहिए बेबी चैनल है, इनके बेबी के भी 100 के होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, इट्स माय बेबी चैनल। तो अब मैं अपने बेबी चैनल के लिए बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल ट्यूटोरियल कि आज मैं अपना ग्लोई डूई मेकअप किस तरह से करती हूँ। लेट्स गो। और मैं भी आज बताऊंगी कि मैं अपना ग्लोई डूई मेकअप कैसे, हम दोनों बहनें मेकअप कैसे करती हैं, क्या करती हैं, मेकअप के क्या हैक्स होते हैं, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। लेट्स गो। हम करने लगे अपना मेकअप। सबसे पहले तो भाई आप लोगों के हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए बिकॉज आप लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज जो पहनते हैं ना, बेसिकली मैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने जो है ना स्टाइली स्किन केयर के लिए अब मैं लगाने लगी हूँ फाउंडेशन। और स्किन केयर जो आपने करनी होती है वो आपने स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि कुछ सीरम्स होते हैं वो आपने लेंसेज अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के अप्लाई करना होता है ताकि आपकी स्किन पे वो सेटल हो जाए। अब जो है ना हम लोग लगाने लगे हैं बेस, ठीक है। सबसे पहले अपने लेंस पहनने, जो कि आपको पहनने में 4 से 6 घंटे लग ही जाते हैं अगर आपके साथ आपकी बातें करने वाली बतूनी बहन बैठी हो तो, तभी वाकई अच्छे लग रहे हैं लेंस ये देखो। मुझसे बहुत ज्यादा सो नाइस। तो फाइनली गाइस हमारे लेंसेज लग चुके हैं, अब मुझे करनी है अपनी स्किन प्रेप स्टार्ट। तो मैं ना ये एक पिग्जी का एक है मेरे पास, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी ना कोई स्पेसिफिक नहीं है, मुझे किसी भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ जाती है मैं उसको अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मेरी शक्ल पर उसके ना रिजल्ट बहुत वाजे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आई हैव सम स्पेसिफिक रूटीन कि मैं बस यही चीज़ अप्लाई करती हूँ, मैं अपनी फाउंडेशन भी चेंज करती रहती हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई करो तो किसी एक चीज़ पर टिकी ना हो जाओ, ठीक है। उसको बदलो, हर ब्रांड ट्राई करो, जो फिर सबसे आपको फिर उससे पता चलता है कि कौन सा जो है ना वो आपकी स्किन पे, समटाइम ऐसा होता है कि बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको एक चीज़ मिल रही होती है और वो आपकी स्किन पे कोई 40-50 हज़ार वाली बेस से भी ज़्यादा बेहतर बैठ रही होती है। तो मुझे लगता है कि मेरा मेकअप देखे ना कितना मैं लोकल यूज करती हूँ। राबिया हमारे घर में सबसे सस्ता मेकअप यूज करती है, ये बात है, मुझे अच्छा लगता है, पता है क्यों? और वो अच्छा लगने की बात नहीं, उसकी स्किन पे सूट करता है। तो इट्स नॉट अबाउट लग्जरी कि आप हर चीज महंगी अपनी शक्ल पे लगाओ और वो सूट ना करे। तो हमने सीरम अप्लाई कर दिया, अब इसको थोड़ी देर स्टे देंगे, उसके बाद मैं ग्लो रेसिपी का ये वाला टोनर जो कि मैंने मंगाया है, कुछ 700 टोनर भी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, तो जो मेरे हाथ लगता है मैं वो टोनर लगा लेती हूँ, है तो स्किन के लिए ना, तो बस इसको फिर टोनर लगाएंगे यूँ टैप टैप टैप। अच्छा टोनर लगाने का ही तरीका है टैप टैप टैप, आपने इसको मलना नहीं है, टैप 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 टैप, और इसको थोड़ी देर के लिए अपने मुँह को ऐसे ही छोड़ दें। ये टैप टैप हो गया, अब बस आपने अपने फेस को 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, बातें करें जो मर्जी करें, मेकअप करें। नहीं लगाया मैंने बोला था ये, मैंने और स्किन केयर बहुत ज्यादा किया सारे, ठीक है ये लगा के। उसके बाद एक ये है, आपने सन ब्लॉक लगाना कभी नहीं भूलना, ब्यूटी ऑफ जैस्मिन का मैं समटाइम यूज करती हूँ, इसको भी आपने ऐसे ही टैप 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 ताकि आपकी स्किन का जो ग्लो है ना वो रहे। 3-4 जो है स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई करें और उसको ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद आपने बेस अप्लाई करना। A few moments later. चलें जी, अब मेरी जो स्किन है वो एकदम हो गई है मॉइस्चराइज एंड नाउ आई विल अप्लाई दिस, ठीक है। ये मेरे पास है एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर है जो आपने बेस को अप्लाई करने से पहले लगाना है अपने फेस पे ताकि आपके फेस के नीचे जो है ना वो ग्लो एकदम ग्लो। एंड गाइस देखें अब जो है ना मैंने अपनी बेस लगा ली है और उसके बाद दो ट्यूटोरियल एक साथ, उसके बाद जो है ना मैं अपने जहाँ पर मुझे थोड़ा डार्क डार्क शेड फील हो रहा है वहाँ पे और बेस लगा रही हूँ ताकि वहाँ पे आपको डार्क डार्क ना फील हो। हेलो जी ये आपने करना है, और मैं कोई टॉप चीज यूज नहीं करती हूँ कि भाई कोई बहुत स्पेसिफिक जो हाथ लगे, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं चला, जस्ट शनेल की बेस नहीं राबिया, मैं अपने डेली व्लॉग में शनेल यूज नहीं करती। हाँ ये मैं आपको बता दूँ, मैं अपने डेली वेजेस पे शनेल यूज़ नहीं करती, मैं बहुत स्पेसिफिक ओकेजन्स होते हैं क्योंकि डेली आप इतना मेकअप अपनी स्किन को नहीं रख सकते और आपको ऐसा भी चाहिए कि आपको मेकअप वाली लुक भी आए, आप नेचुरल भी लगो, आप प्यारे भी लगो। अब सबसे पहले तो ये ग्लो है। अच्छा सब दूसरी चीज़ ये कि इसको हमेशा वॉश करना है, मेरी तो वो बहन है तो मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं करना। मैंने किया था ना वॉश। अच्छा तो ये है कि जब आपने ये लगा लिया हल्के तो ये आपने फिंगर से करना है इसको टैप टैप, क्योंकि आपका जो ये स्पंज है आपकी बहन के पास होता है। अब देखो एकदम ग्लो आ गया, ठीक है ये अब ग्लो आ गया, अब इससे आपने हटके इसको एक दफा आपने
ऐसी एप्लीकेशन. नाउ आई विल अप्लाई माई बेस. ये मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये जरा अच्छी बैठ जाती है स्किन पे. मैं इस कोई भी किसी किस्म का कंसीलर वगैरह अप्लाई नहीं करती अपने. लेकिन वैसे कंसीलर आपको करना चाहिए. करना चाहिए लेकिन कोई भी मैं ना वो घर छोड़ा ही हूँ. मैंने उसके बाद खरीदा ही नहीं. वैसे मेरे पास पड़ा हुआ है एक कंसीलर. वो मेरे पास एक है याद आ गया. ये अब क्या करूं बेस से पहले. मुझे कंसीलर बेस से पहले नहीं बेस लगा लो उसके बाद टॉप से तक लगाना. ओके ठीक है राबिया. अब देखिए कुछ प्रोसेसेस मुझे खुद भी नहीं पता. आप लोग देख सकते हैं कि चलो मैंने तो कंसीलर की जगह बेस ही लगा. मेकअप के लिए आपको कोई बहुत प्रो होना जरूरी नहीं है. चलिए जी अब जो है वो हमने अपनी शक्ल पे ना कंसीलर अप्लाई कर लिया प्रॉपर. मैंने जिंदगी में ना जब हमेशा जब सैलॉन से मेकअप करवाया ना तब मैंने कंसीलर अप्लाई किया. आज एक्सपेरिमेंटल तौर पे अप्लाई कर रही हूँ. लेकिन मैंने आप बेसिक बहुत ज़्यादा लगा लिया जिंदगी में पहली दफ़ा. लेकिन रबिया अच्छी लग रही हो. बहुत प्यारा लग रहा है. अब जो है ना वो देखो भाई इसको भी आपने इसी तरह से टैप 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 बल्कि मुझे स्पंज दो ये वाला. आपने ब्रश से नहीं इसको इस तरह से आपने उसको सेट करना है. हमारा कंसीलर जो है वो फेस पे अप्लाई हो चुका है. अब बारी है टैप टैप फेस पाउडर. मेरा सारी बेस और फेस पाउडर डन. ठीक है आपने फेस पाउडर जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना. सिर्फ अंडर आईज ताकि आपकी जितनी जो आपने कंसील किया हुआ है अपनी आंखों को नीचे से वो सेटल हो जाए. क्योंकि हमें मेकअप की मेन लुक होती है ग्लो देना. अगर वो ग्लो ही नहीं आता तो फाइन. लेकिन ये आपका जो ग्लो है ये खुद ही ये देखो कितना मस्त लगा. लेकिन ये जो मेकअप है ना ये है मतलब कि कहीं आप इवेंट पे जा रहे हो. ये नॉर्मल रूटीन मेकअप नहीं. वैसे इवेंट वाला मेकअप करवा रही हूँ मैं आपको. हार्शली हाथ नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि आप अपनी शक्ल को ख़राब कर बैठोगे. और मुझे बिल्कुल बेसब्रेपन की तरह मेकअप करने की आदत है. फटाफट डुस्कुम डुस्कुम ठा ठा. सबसे पहले हमने अपने आँखों पर जो है ना वो आई शेडो लगाने हैं. आँखें बहुत लाइट को बहुत हैवी आपको चमकीली करने की ज़रूरत नहीं होती. आपने अच्छा भी लगना होता है. और ये आपका आई शेडो लग रहा है. आई शेडो पे कोशिश करें कि पिंकिश सा लाइटर सा टोन जो आपको लगता है कि आंखों पे अच्छा लगेगा. ठीक है और उसके बाद मेरे पास तो ये मेकअप बाय मारियो की किट जो मैं इस्तेमाल करती हूँ इसका वो किया हुआ है. ग्लो आया हुआ है. ऐसा नहीं लगता कि कोई ग्लिटर चीज़ लगी हुई है. तो ये बहुत ही आप फिंगर से अगर करते हैं ना तो ये सबसे बेस्ट रहता है. क्योंकि ब्रश से आपको हिसाब नहीं रहता. मुझे तो बिल्कुल नहीं रहता. हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस है. मैंने लगा दिया. अब अपनी आंखों के किनारे बनाने के लिए आई विल यूज पेंसिल लाइनर है आंखों के कॉर्नर्स पे. ठीक है अब जो है वो मैंने इसी लाइनर को मर्ज करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश. ये मैं आजकल कुछ ट्यूटोरियल्स देख रही थी तो उसमें मुझे बड़ी हेल्प मिली है. शक्ल की आर्ट का अलग ही वो है स्वैग. चलो जी गाइस मेरी आईज तो हो गई हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक है. लेकिन कम से कम मेकअप कर सके उतना अच्छा लगता है. जितना मिनिमल मतलब लाउड कलर्स की जो सिलेक्शन है ना इट शुड बी वेरी लाइट एंड वेरी नेचुरल वन. नॉट दैट लाउड वन के बस कालक लगा लो आंखों पे या कुछ भी. अब देखो जी ये मैंने सिर्फ बॉर्डर्स बनाए आंखों के. अब हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा डार्कर टोन फॉर अंडर आई वो शेड के लिए. ठीक है अब ये मेरी एकदम आंख की लुक बन गई है. और अब इसी ब्रश से मैं अप्लाई करती हूँ अपने आईब्रोज को सेट करना है. क्योंकि मेरी आईब्रोज एक तो बनी भी नहीं है दूसरा फिर इसको ऐसे ही करना पड़ता है. तो आई डोंट अप्लाई आई पेंसिल में ब्रश के साथ आई पेंसिल. रबिया देखो मेरी ज़रा आई पेंसिल आई पेंसिल मैं जो ना काजल लगा रही हूँ मुझे पसंद है. बनना तुमने कैटरीना था. कैटरीना काजल नहीं नहीं मैं करीना बनूँगी. चलो शाबाश. अब जब लिपस्टिक लगाओगी तो वही मामा नहीं बन जाना. नहीं देखा मैंने आलिया मैम वो तो बिल्कुल नहीं लगाती. अब हमारी ब्रोज भी हो गई हैं डन. और अब आपकी बारी है आई लैशेस की क्योंकि टाइम कम है. सबसे पहले हमने अपने लैश को कर्ल करना है. नाउ आई विल अप्लाई आफ्टर कर्लिंग माई आई लैशेज. अब मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईज पे मस्कारा. मस्कारे का प्रो तरीका ये है कि आपने इसको ये रखना है और आँख बंद करनी है. ठीक है ताकि वो नीचे से प्रॉपर
लुक आया आप लोगों के मस्कारे की। आई मेकअप डन करने के बाद मस्कारा जो है ना वो सबसे मेन चीज़ होता है जिससे आपकी आई की लुक इन्हांस लगती है। अगर आप लैशेज एक्सटेंशन या लैशेज वगैरह नहीं अप्लाई करें तो नेचुरल आई लैशेज नहीं रहा गया। अच्छी लगती है, अच्छी जगह से लगी, लेकिन आपको एक दफ़ा वो शक्ल देखने की आदत हो जाए ना तो उसके बाद आपको वही होता है कि गंजा गंजा फील होता है, तो ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। आप देखें आई लैशेज के बाद, आई लैशेज मस्कारे के बाद जो है ना वो आपकी लुक एकदम वो हो गई है, बबली हो गई है, प्रॉपर लग रहा है, आंखें बनी हुई हैं। इस तरह की आंखें हो तो उसके साथ क्यूट लिपस्टिक सूट करती है। A few moments later. अब मेरा गाइस आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स डन कि अब मैं कंटूर अपने फेस पे नहीं लगाती, मैं ब्लशर लगाती हूँ सिर्फ और सिर्फ। लेकिन आपकी फेस शेप के अकॉर्डिंग अगर आपका ब्लशर हो तो आपके फेस फीचर्स वो इन्हांस करता है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा स्क्वेयर शेप फेस है, सो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फैला हुआ मुझे पसंद है, पसंद मुझे फैला हुआ, लेकिन मेरी फेस पे सूट करता है ये वाला टू इनहांस माय चीन बोन, नोज पे भी ऐसे हल्का ऐसे इसी कोई मैं अपने ये एज अ टिंट अप्लाई कर लेती हूँ। आई डोंट डू परफेक्ट मेकअप बिकॉज मैं जरा रफी टफी सा मेकअप करती हूँ जो कि बड़ा नेचुरल लगता है, अच्छा लगता है मुझे खुद को। ठीक है, अब ये बन गई हूँ मैं बगियाड़। इसके बाद अब इसको करेंगे हम अपने ब्लशन ब्रश से सेट और टैप टैप, मलना नहीं है इसको बिल्कुल भी, टैप 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 टैप, इधर देखेंगे भी टैप टैप। ठीक है जी, तो इसके बाद मैं आपकी भाई फिर बारी है हमारे लिप कलर की, और लिप कलर आपने हमेशा ड्रेस चेंज करने के बाद अप्लाई करना। A few moments later. चलिए जी गाइस, मैं ड्रेस अप हो गई हूँ, मैंने अपने बाल बना लिए हैं, मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह कैरी करी है, अब बारी है हमारी लिपस्टिक लगाने की। What I gonna apply on my lips will be the lighter one, क्योंकि जब आपने मेकअप थोड़ा सा नेचुरल ग्लो किया तो लिपस्टिक शुड बी नेचुरल एज वेल। तो मैं एक ये रेयर ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ जो कि आपके लिप्स को एक प्लम्प लुक देता है, और ये लिप ग्लोस है, और उसके अलावा मैं ये स्वीट टच का सेंशुअस शेड यूज़ करती हूँ मोस्टली एंड आई लव इट, सो आई गोना अप्लाई दिस वन। लेट्स गो। सो गाइस, मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया, नाउ यू गाइस कैन सी द ग्लो, और लिपस्टिक शुड ऑल्सो बी ग्लोसी एंड शाइनी ताकि आपकी जो है ना वो लुक ओवरऑल ग्लोई डूई लगे। सही है, अब मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ एंड देन हम निकलेंगे अपने इवेंट के लिए, और लेट्स गो हैव अ लुक ऑन माय फुल लुक। सो मैंने ये हील्स पहने हैं साथ में, और ये मेरा सूट है, एंड दिस इज माय हेयर एंड आई एम रेडी।